और लोग हैं क्या उनको? खुजरे की घटना बड़ी चिंता का विषय है। गणतंत्र दिवस के त्योहार पर सार्वजनिक कार्यक्रम में कुछ लोग धारदार हथियार लेके आ जाए और ऐसा आतंक मचाए कि भगदड़ मच जाए, हथियार घुमाए जाए, बेटियों तक की पिटाई कर दी जाए, ये अपने देश में मुझे नहीं लगता पहले कभी हुआ है। इस घटना को मैं कोई सांप्रदायिक भी नहीं मानता। सभी भाई बहन भारत के नागरिक हैं, देशभक्त हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह की अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें बच्चे पीट दिए जाएं, बेटियां पीट दी जाए, तो राष्ट्रीय पर्व पे कभी नहीं हुआ। इसलिए इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये हिम्मत क्यों हुई कुछ लोगों की कि गणतंत्र दिवस के त्योहार पर सार्वजनिक कार्यक्रम में हमला कर दें? अच्छा, जो लोग थे वो केवल खुद आए थे या उसके पीछे और कोई था जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ के अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है, या फिर कोई आश्वस्त है कि सरकार बदल गई हमारा कुछ नहीं होगा, दूसरी सरकार आई, कहीं इसके पीछे कोई सिमी जैसे तत्व तो फिर से एक्टिव नहीं होने लगे जो फिर से आतंक और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहे मध्य प्रदेश में? इसलिए मुझे लगता है ये घटना एक सामान्य कानून और व्यवस्था की घटना नहीं है। मैं वहां गया, नागरिकों के साथ साथ मैंने बच्चों से चर्चा की, बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे बेटियां, और उन्होंने रो रो के जो विवरण दिया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि बच्चों पे हमला कर दे? बड़ों में लड़ाई होती समझ में आता है, कोई ऐसा मुद्दा होता कि जिसमें आक्रोश पैदा होता समझ में आना, लेकिन बच्चों से क्या उस गणतंत्र दिवस के त्योहार पर गुस्सा उतारना? मैं चाहता हूं कि इस घटना की गहरी जांच हो और दूसरे इसके पीछे जो लोग हैं उसको इस नजरिए से ना देखा जाए कि सामान्य है। उस घटना की गहराई में जाके ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा इसलिए जरूरी है कि फिर कहीं और ये घटना ना हो। अगर इस तरह के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना हुई तो फिर हर कहीं खुजनेर दोहरा दिया जाएगा। मुट्ठी भर लोग होते हैं, कोई सब नहीं होते, गिने चुने लोग होते हैं जो ये माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। फिर जो बच्चों को बचा रहे थे उन पर ही केस बना दिए, बैलेंस कर दो। तो ये मामला कोई सांप्रदायिक झगड़े का मामला नहीं है कि एक वर्ग एक तरफ है, दूसरा वर्ग दूसरी तरफ है। ये तो असामाजिक तत्व हैं, वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, किसी जाति के नहीं होते ऐसे तत्व, इसलिए इन तत्वों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। ये मुझे वहां चर्चा करने के बाद जाने के बाद लगा और वही मांग मैंने सरकार से की है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पर जिनने बच्चों को बचाया उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रकरण बनाने का कोई औचित्य नहीं, वो वापस। सर कमलनाथ जी ने कहा है सर कि उनकी सरकार गोल्फ कोर्स की सरकार नहीं है।